तो पहले तो सोचे टूट गया ठीक ठाक, मैं खुलूट करता हूँ। अच्छा जी, मैंने शादी की हुई है अपने 1.5 हफ्ते से, ठीक है, तो जेब खर्च बहुत ज़्यादा भर रहा है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा भर रहे हैं, तो मुझसे बाहर रखी नहीं जा रही है बीवी मेरी। अब मैं उसको घर लेकर आ रहा हूँ, देखते हैं मेरे घर वालों का रिएक्शन क्या होता है, तो आपने मेरा ब्लॉग जरूर देखना है। अच्छा जी, तो मैं नीचे आ चुका हूँ गुराज में, मैं जा रहा हूँ अपनी दुल्हन को लेने, उससे मैंने इन ड्राइव पर बुला लिया है कि मेरे घर वाली साइड पर आ जाए, वो अब आ रही है इन ड्राइव पर। उधर गली के एंड पे दुल्हन मेरी पहुंच चुकी है। दुल्हन किधर है मेरी? दुल्हन मियां किधर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी जान, आ जाओ बैठो घर चले। जी जी, जान के प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों करना है बंदा पीछे? कौन है? वाइफ। तू तो कैसा, 3-4 साल शादी नहीं करी एकदम, ये क्या मजाक कर रहा है? नहीं मजाक में नहीं करना, चुप रहा तू। 3-4 साल अब्बा मेरा, 3-4 साल तो शादी नहीं करनी। मुझे हफ्ता हो गया शादी की, वो आज मैं देख कर आया हूँ। है कौन ये? दोस्त है मेरी, बीवी है मेरी, है कौन, तो क्या मतलब मकसद है अब इसका, क्या करें? बुढ़ी है मेरी, करे क्या? मुझे ये क्या समझ नहीं आ रही है, बोलो क्या बात है? तो मुझे स्पीचलेस कर दिया, मजाक कर रहे तो। नहीं जी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बाकी वाइफ है मेरी। किसी को नहीं बताया तुमने? खुद ही किसी ने नहीं किया था? शादी खुद ही करते हैं, किसी को बताने की जरूरत क्या? नहीं, लेकिन किसी को बता, कोई बड़ों को नहीं बताना होता कि मैं ये स्टेप लेने लगा हूँ, मैं ये काम करने लगा हूँ? बड़े बड़े करना, बड़े 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 मानते नहीं है, किसी को कुछ नहीं समझता है। मेरी बात सुन, तू चुप करके बैठ। बड़े मानते हैं तो तुम्हें शादी ना कर, शादी बड़ों की मर्जी से करता, बड़े मानते ही नहीं है। तो शादी कर ली है तो फिर रह बाहर जाके, इधर क्यों लेके आए? बाहर क्यों रहू, घर अपना है। अब के लिए मिसाल पैदा कर रहा है, इधर ला। है कौन ये? दोस्त है मेरी, बुढ़ी है मेरी। वो तो ठीक है, लेकिन कौन है? नाम क्या है? इधर रहती है क्या? अबू कहाँ पे है? अबू बुलाओ। नस्ल केड़ी है? जाटे जाटे। वो तो यार जपियां पा रही थी, पता नहीं कितने साल से। बताओ बताओ भाई के चांद चढ़ा है जो भी दस दे होगा ना, जो चांद चढ़ जाता है। मुझे नहीं जरा पानी होगी, पानी तो नहीं पीना। मुझे अभी सब चांद चढ़ा है, शादी कर रहा है। तो जानने का पे मेनू 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 तंग करन वास्ते लै के आया ना, टेंशन देने वास्ते लै के आया ना। एक दिन तो शादी करनी थी ना, पता नहीं कौन है। जाओ फिर जाओ जाके करो, मैं तो नहीं रखना तेरे का इन नया ना वेखे तेरे नाल के में जुड़ जुड़ के बैठी जे में सदो कदो दी शादी सेवा हुंदी है। अब
बिजन बता भी नहीं रहा है कहाँ की है क्या है, बता भी नहीं रहा है कहाँ की है क्या है, जुबान है बोल भी है तो मैं पढ़ भी नहीं है कुछ। अब बताओ तो सही, ये कौन है, कहाँ से है, गोरी है, चिट्टी है, काली है, नीली है, पीली है, और तो दस बोलूं नहीं, वैसे फिर भी रही है फिर ना फिर मेनू इतवा है ये मैं इस मामले मेनू पता इसको चंद चढ़ाना ही चढ़ाना है मैं पता केड़े खानदान चो केड़े चो नहीं गाड़ी पे लेके आया, इसकी गाड़ी अभी भी इससे पकड़ी, गाड़ी पे लेके आया इसको बिठा के, मैंने देखा है भाई। गाड़ी कहाँ से मिली? गाड़ी तो खड़ी हुई घर में। चाबी निकाल के ले गया आपके पास? वो मेरे पास के में पड़ गई। अच्छा। हाँ चाबी। चाबी भी निकाल के ले गया है। अच्छा गाड़ी पे जाओगे? चलो चलो उठो यार नहीं जाओ। तंग ना करो बुबू। हाँ। आ यार ताज। मैं सोना मेरे बीपी एक ही पूरा। जो टीसी है वो आखिरी है बच्चे। मेरा बीपी एक ही आज मेनू लगता है ज्यादा सी तू मेरे बीपी बता अपनी गाड़ी की चाबी इधर रख के जा। चपेड़ा ना खा ले निकल इधर निकल जा तेन कह रहे नहीं आना मैं उधर रुको मैं आ रहा नहीं आना मैं दिल कर खुशी च दो चार छा इसी फोन नंबर ले ना अपने घर गल करा यार कौन है दस के भी आई है एन जी उठ के आ गई नहीं कह रही नहीं दस के इसके घर वाले मान जाते तो मैं इसको भगा के रहा था नहीं इसके माँ बाप नहीं ना मानते नहीं भगा के लाया तो ये कोई अच्छी बात नहीं हफ्ता हो गया शादी किए को हफ्ते से बाहर थी वो कौन ने चार दोस्त थे अहमद भी था तेरे दोस्तों की अठारह साल से जो ओपन है ना वो गुआ हो सकते हैं
चलो यार माना ऊपर कमरे में चलती है छोड़ो ऊपर अपने कमरे में ऊपर मेरा कमरा है वापस आ जाने अपने कमरे बाहर निकलो मैं फिर मेरा मैं मन चेक मेरे को बुलाता फिर वही फैसला करेंगे जो करना है इससे यार डंडे पड़ोगे यार मुझे भी कुछ नहीं आ रही ये मैं यार लड़का हूँ यार मैं प्रैंक किया है अच्छा किया प्रैंक था ये मैंने कहा प्रैंक ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿਆ ਸੁਣੀ ਤੇਰੀ ਬੈਠੇ ਬਸ ਐਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਹੋ ਰਹਾ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਅਬ ਜਨ ਸੋਏ ਹੋਏ ਬਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉਸ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਚਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਹੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ अच्छा जी तो मैं आज का लोग यहीं पे एंड कर रहा हूँ आपने मेरा ब्लॉग जरूर देखना है और बताना है आपको मेरा प्रैंक कैसा लगा मैरिज प्रैंक और मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।